ये गेट एम ई पी आई एंड सी एस आई टी 2013 में दो नंबर में आया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, कह रहा है ए टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ द जर्नी बाय अ ट्रेन एट, यानी कि स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग बाय अ बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाई द साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट इन किलोमीटर प्रति आवर डूरिंग हिज इंटायर जर्नी इज। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बताना है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड क्या रही होगी ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर की हुई, तो हमने क्या किया कि d किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं गई हमें, मैंने मान लिया कि टूरिस्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर की है वो टोटल डिस्टेंस मान ली, मैंने मान ली कि d किलोमीटर। ठीक है, d फॉर डिस्टेंस, उसने टोटल डिस्टेंस इतने कवर की होगी, क्योंकि इसमें दी नहीं गई है तो मैंने डी मान लिया। ठीक, अब इसमें कह रहा है टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ दिस जर्नी बाय ट्रेन, यानी कि जो आधी जो डिस्टेंस है वो बाय ट्रेन की है एट स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, डी का हाफ यानी कि हाफ बता रहे हैं ना, हाफ ऑफ दिस जर्नी नहीं, डी का हाफ मतलब डी बाई टू डिस्टेंस ट्रेन के थ्रू की है उसने कंप्लीट। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा हाफ डिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि जो डी वाई टू डिस्टेंस है, ठीक है, वो बाय ट्रेन और स्पीड भी दी गई है इसकी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, इसने कवर की होगी। ठीक है, एक टूरिस्ट ने डी बाई टू डिस्टेंस एट स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर बाय ट्रेन। ठीक है, इतने उस टूरिस्ट ने क्या किया, डी बाई टू आधी जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली यहाँ तक। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो हाफ ऑफ द रिमेंडर जो आधी जो बची हुई है जो यहाँ से यहाँ ये डी बाई टू हो गई, तो रिमेनिंग के कितनी हुई, डी बाई टू यहाँ से अगर ये आधी है तो ये भी आधी बची हुई है। ठीक है, जो डी बाई टू रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिमाइंडर मतलब जो आधी डी बाई टू है उसका हाफ, ठीक है, बाय बस, बस के थ्रू कंप्लीट की एट स्पीड दी गई 3 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक, यानी कि डी बाई टू का हाफ, डी बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, डी बाई फोर। ठीक, तो डी वाई जो 4 डिस्टेंस है वो बाय बस की है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई 4 जो डिस्टेंस है बस एट 6 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इस हिसाब से की होगी, बस एट 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और डी वाई 4 इस पर यानी कि डी वाई 2 का आधा तो डी वाई 4 हो गया बाय बस की है, और जो रेस्ट बाय द साइकिल यानी जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो थ्रू साइकिल की कवर की है, साइकिल के द्वारा। ठीक है, एट स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसा बनेगा डायग्राम, ये टोटल डिस्टेंस, इसकी जो आधी डिस्टेंस यानी कि डी वाई टू जो डिस्टेंस है वो ट्रेन के थ्रू उसने की है कंप्लीट। ठीक है, ये स्पीड दी गई है ट्रेन की, और जो
आधी बची हुई स्पीड है यानी कि मतलब डिस्टेंस है, उस आधी में से यानी कि डिवाइड जो 4 है वो बाया बस, और जो रिमेनिंग है वो बाया साइकिल, और स्पीड दी गई बस की और ट्रेन यानी कि साइकिल की। ठीक है, ये डायग्राम जो हमें दिया गया इसके अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। ठीक, अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें पता है डी है, टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्पीड भी दी गई है और डिस्टेंस भी है। तो ट्रेन, बस और साइकिल ने कितना समय लिया है, ठीक है, उसका हम टाइम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे टाइम। ठीक है, टाइम टेकिंग बाय ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, हमें निकालना टाइम, तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन एस। ठीक है, तो ट्रेन यानी कि ट्रेन का है तो हम यहाँ से टी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इसको डी वन, इसको एस वन। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो हम यहाँ से टाइम निकाल रहे हैं यानी कि डी वन अपॉन एस वन, यानी कि डी वन के साथ ट्रेन का जो टाइम है वो डी वन से कर रहे हैं। तो डी वन की मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस किसकी है इतनी, इसकी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी कवर की है ट्रेन ने, डी वाई टू। तो डी वन की जगह हम डी वाई टू रखेंगे। ठीक है, किलोमीटर। स्पीड कितनी है एट स्पीड, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा घंटा। ठीक, ट्रेन ने जो समय लिया है वो लिया है डी अपॉन 120 घंटे। ठीक है, ये आ गया टाइम टेकन बाय बस, बस का निकाल लिया, तो इसको मैंने टी टू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये डी टू अपॉन एस टू हो गया। ठीक, तो डी टू अपॉन एस टू, डी यानी कि जो बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, जो बस हमारी ये है इसकी जो डिस्टेंस है वो डी वाई फोर है, तो डी टू की जगह हम डी वाई फोर रखेंगे, और स्पीड एस टू, बस की जो स्पीड कितनी रही थी लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो डी टू की जगह हम रखेंगे डी वाई फोर किलोमीटर, और स्पीड इसकी रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा, तो यहाँ से ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा D अपॉन 120। ठीक है, ठीक है, ये समय है, ये T1 की वैल्यू, ये T2 की वैल्यू। अब टाइम टेकन बाय साइकिल, तो हम T से T3 मान लिया, D3 अपॉन S3। ठीक, तो D3 साइकिल का जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की इसने, D बाई 4। ठीक है, अपॉन जो स्पीड इसकी साइकिल है वो 10 है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 10 में, तो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन 40। ये हमारा टाइम आ गया, टाइम टेकन बाय ट्रेन, बाया ट्रेन, बाया बस, बाया साइकिल, ये हमारा टोटल टाइम आ गया, मतलब टाइम आ गया अलग अलग। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल टाइम। ठीक, यानी कि सबको ऐड कर देंगे, टोटल टाइम यानी कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो टी वन का जो टाइम है डी अपॉन 120 प्लस, ये टी वन टाइम है, ये टी टू, ये टी थ्री, इसका डी अपॉन 120, टी टू का, टी थ्री का ये डी अपॉन 120 यानी कि 40। ठीक है, घंटे हो गए, इसका एलसीएम 120 ले लूँ, 120 इसका एलसीएम ले लिया,
ठीक है, और डी कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि डी हर जगह है, डी ले लिया तो यहाँ से वन आ जाएगा, यहाँ से वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 120 है, यहाँ भी 120, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, 40 तीन 120, ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5D अपॉन 120, 5 का मल्टी यहाँ से डिवाइड कर दो इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 24 पंच 120, लेकिन D अपॉन 24, ये आ जाएगा इतने घंटे, ठीक, डी अपॉन 24। अब जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हमने निकाला, टोटल टाइम हमारा डी अपॉन 24, ठीक है, अपॉन टोटल डिस्टेंस, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी की है टूरिस्ट ने कवर, डी किलोमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा डी किलोमीटर, डी किलोमीटर आ जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ठीक, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी रहे, टोटल डिस्टेंस हमारी डी किलोमीटर, ठीक, डी किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम हमारा ये है, ठीक है, डी अपॉन 24, ये टाइम है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 24 ऊपर चला जाएगा और डी से डी हट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी, ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी 24, इस तरह से होगा ये।